गावन स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको द रियल हीरो कार्यक्रम में एक ऐसे रियल हीरो से रूबरू कराने वाले हैं जो युवा अवस्था में, जब युवाओं का फोकस अपने करियर बनाने पे होता है, उस समय उन्होंने समाज के उस तबके के लिए और विशेषकर उन बालिकाओं के लिए सोचा और उन्होंने लीक से हटकर ऐसा काम किया जो कि एक प्रेरणा का और एक आदर्श रूप लेता हुआ एक कार्य का काम कर रहा है। ऐसी एक द रियल हीरो की एक सक्सेस संदीप कुमार यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संदीप जी आपका स्वागत है हमारे गांववाणी स्टूडियो में। और हम जानना चाहेंगे आपने ये जो सफरनामा है किस प्रकार आपने आरंभ किया, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, अपने परिचय से आप स्टार्ट करेंगे। संदीप जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार आपने अपनी एजुकेशन में एमएससी को पूरा करने के बाद माँ सरस्वती सेवा संस्थान जिसका शुभारंभ आपने 1 अगस्त 2023 को किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम के साथ आपने जीवन को रीस्टार्ट करने की प्रेरणा के साथ में इस कार्य को आरंभ किया है, तो हम आपको जानना चाहेंगे। आज आप हमारे द रियल हीरो के रूप में हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आप अपने इस सफरनामे को पेश कर रहे हैं। संदीप जी सर नमस्कार सभी को, यूजीएस के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया सर उसको तहे दिल से आपका शुक्रिया या धन्यवाद। नाम संदीप कुमार यादव है और सर मेरा गांव उदो का बास है, बालास ग्राम पंचायत है और सर बांसुर तहसील है। सर मैंने मेरी पढ़ाई की बीएससी पास आउट करने के बाद मैंने बीएड की, बीएड के बाद मैंने एमएससी की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। उसके बाद सर मैंने कंपटीशन की तैयारी की, कंपटीशन में मुझे सफलता हासिल नहीं हो सकी। अब वो चीज मेरी कमजोरी समझिए या मेरा लक समझिए, कुछ ना कुछ कारण रहने की वजह से मैं सफल नहीं हो सका सरकारी जॉब में। उसके बाद मेरे सरकार जब मैं तैयारी कंपटीशन की कर रहा था तो मेरे अमूमन कहीं ना कहीं ये विचार था मन में कि मैं एक टीचर बनूं। तो टीचर का सपना संजोए हुए मैं जब मेरे गुरुजी से मिलता था तो मेरे गुरुजी मुझको इस चीज के लिए मोटिव करते थे कि सफलता असफलता के बाद ही उसके दरवाजे खुलते हैं। जब बार बार आदमी असफल होता है तो कहीं ना कहीं सफलता उसकी राह का इंतजार कर रही होती है। तो मेरे गुरुजी हैं मार्गदर्शक के रूप में योगेश कुमार ढांचोलिया सर, जो गवर्नमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैं छत्रपुरा। उन्होंने मेरे को प्रेरणा स्रोत के तौर पे बताया समझाया कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों को अमूमन पढ़ने के लिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो हमने देखा गवर्नमेंट स्कूल में या गरीब तबके के लोग अपनी बच्चियों को 10th तक पढ़ाते हैं, यदि वो बच्ची बाय चांस फेल हो गई, फेल होने के बाद वो बच्ची को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं, शादी उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है अर्थात उसका बाल विवाह हो जाता है। हमने सोचा कि वो बच्ची अधिकतर सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश इन सब्जेक्टों में फेल होती है, ज्यादा रेशो देखा गया तो बच्ची मैथ में फेल हो रही है। तो हमने सोचा कि गणित विषय का हमने एक निःशुल्क ट्यूशन करवाएंगे। फिर हम और बुद्धिजीवी लोगों से मेरे साथियों से संपर्क किया तो उन्होंने हमको ये अवगत कराया कि ये केवल मैथ सब्जेक्ट के लिए ना करके आप और विषय के लिए कीजिए। तो हमारे पास और कोई साथी नहीं मिला, केवल गणित का ही साथी मिला। तो हमने गणित का स्टार्ट किया। गणित का स्टार्ट करने के बाद हमने देखा कि गणित की क्लासेस सुचारू रूप से 1 अगस्त 2023 से चलाई गई। उसके बाद में हमारा उद्देश्य ये रहा कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज का लाभ मिल सके। तो और बुद्धिजीवी और साथी लोगों ने इसमें हमारा सहयोग किया। इसके साथ साथ हमने सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये निःशुल्क रखा। इसके साथ साथ में हमें इसका अच्छा परिणाम मिला, हमसे धीरे धीरे इसका कारोबार बढ़ता चला गया, बच्चे अमूमन जुड़ते चले गए, न कि सरकारी स्कूल के ही बच्चे, इसमें ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इस चीज का लाभ उठा रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें 99% बालिकाएं आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं। और मेरे एक शिक्षक साथी है राजपाल यादव, वो भी इसमें मेरा सहयोग कर रहा है एज ए शिक्षक साथी है वो। उसके साथ साथ में हम धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाते गए। अब हमारे सामने ये चुनौती है कि हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएं,
तो इस कार्य के लिए हमने और लोगों से संपर्क किया, तो कुछ हमारे इसमें साथीगण और निकल के आए, तो उन्होंने हमको ये विश्वास दिलाया कि अगले सत्र से हम भी इस कार्य में आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, जिससे मैं ये कह सकता हूं, मुझे विश्वास है कि मेरे साथी मेरा सहयोग पूर्ण तरीके से करेंगे और अगले सत्र से हम इसका गणित के साथ साथ इंग्लिश विषय और विज्ञान विषय का भी निःशुल्क ट्यूशन करवा सकेंगे। अभी हम वर्तमान में 10th और 12th का निःशुल्क ट्यूशन गणित का करवा रहे हैं, जिसमें अब ज्यादातर क्लासें 10th की लग रही हैं, जिसमें हम उन्होंने एक या दो चैप्टर ही बाकी रहे हैं उसका कंप्लीट कोर्स होने में। तो अभी भी मैं ये चाहता हूँ और समाज को ये कहना चाहता हूँ और बच्चे बच्चियों को, जो भी इस कार्य से नहीं जुड़ पाए या कहीं शिक्षा के कारण वंचित रह रहा है, तो वो अभी भी क्लास ज्वाइन कर सकता है, यहाँ कोई किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है और कोई भी इस कार्य से जुड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार जी, आपने अपने शब्दों में बताया कि किस प्रकार आपने योगेश ढाचोलिया जी जो कि प्रधानाचार्य है राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा में और मैथ के श्रेष्ठ शिक्षकों में उनकी गिनती होती है, और उनसे आपने मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करके और माँ सरस्वती सेवा संस्थान बानसूर में आपने एक बैनर बना के और उन बच्चों के लिए, विशेषकर उन बालिकाओं के लिए आपने इस कार्य को आरंभ किया और धीरे धीरे ये कारवा जुड़ता चला गया और आज बहुत से बच्चे आपके पास आपके इस शिक्षण के लिए और जो निशुल्क आपने ये ट्यूशन क्लासेस चलाई हैं उसके लिए वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने इस काम को आरंभ किया तो उस समय आपके सामने क्या क्या चैलेंजेज आए, क्या क्या रुकावटें आपके सामने आई और फिर उसको किस प्रकार आपने एक समाधान के रूप में उसका निराकरण निकाल के आप आगे बढ़ रहे हैं। संदीप जी, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपकी इस प्रेरणादायक कहानी को सुनकर मोटिवेट होंगे और उनको भी एक प्रेरणा का संचार होगा, क्योंकि आज आप हमारे द रियल हीरो के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। संदीप जी। सर, मुझे बताते हुए खुशी है कि किसी भी कार्य को करते हैं मन लगा के तो उसमें सफलता हासिल होती है। संघर्ष भले ही कठिन करना पड़ता है, जब हमने ये कार्य स्टार्ट किया तो हमारे सामने एक समस्या ही आई, आप जगह कौन सी डिसाइड करते हैं, तो हमने जगह की डिसाइड की तो हमें राखी गुप्ता मैम मिली, उन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में नहीं प्यार भरा ये संदेश भी दिया कि आप मेरी स्कूल में, आप स्कूल टाइमिंग के बाद में यहाँ ट्यूशन करवा सकते हैं और उस जिसका किसी प्रकार का कोई वो पैसा हमसे या चार्ज नहीं लेती है। चुनौतियों का संघर्ष इस वजह रहा कि शुरुआत में किसी भी कार्य को इतने जल्दी इस संघर्ष के बदौलत जल्दी से उसका परिणाम नहीं आ सकता, शुरुआत हमें धीमी गति से भले ही हुई परंतु उसका संघर्ष करने के बाद हमसे अधिकतर बच्चे जुड़ते चले गए और आज ये संघर्ष का परिणाम है कि अधिकतर बच्चे इस चीज का लाभ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा संदीप जी, आपने किस प्रकार जो रुकावटें आई उनका समाधान अपने विवेक और संघर्ष शक्ति के आधार पर आपने उसका निराकरण किया। हम अपने इस मंच के माध्यम से विशेषकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी भविष्य की क्या कार्य योजना है अपने इस काम को लेकर, क्योंकि जिस युवा अवस्था में युवा अपने भविष्य के निर्माण के स्वप्न सोचता है, उस युवा अवस्था में आपने अपनी सरकारी सेवाओं के लिए प्रयास किया, कुछ आपके लक की वजह से आप उन सेवाओं में नहीं जा पाए लेकिन फिर भी आपने उस काम को चुना जिसे हर आदमी नहीं चुनता है और एक समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए, विशेषकर उन गरीब निर्धन और असहाय लोगों के लिए आप एक सहारा बनकर सामने आए, जिनकी शिक्षा के लिए आपने इतनी अच्छी तरीके की एक अलग जगाई है। तो हम संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं मेरे युवाओं को सर यही संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने आप को निराश नहीं समझें, जब सफलता नहीं मिल पाती है तो वो कहीं ना कहीं से अपनी जिंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं या अच्छे कार्यों में और कहीं भी आ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ युवाओं को, युवा हमसे जुड़े और अपना समय, कुछ समय हमारे को दें, जिससे कि इन बच्चों का और निर्धन बच्चों का और भला हो सके, बेटियों को और ज्यादा शिक्षा मिल सके, कि शिक्षा ही सर्वोपरि होती है, शिक्षा ही समाज को बदल सकती है और एक शिक्षा ही है जो आदमी को जागृत कर सकती है, शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है, तो शिक्षा को ही अपना उद्देश्य बनाएं, शिक्षा को ही अपना महत्व समझें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संदीप जी, और ये संदीप जी थे जिन्होंने बानसूर में एक शिक्षा की नई अलख जगाई है, विशेषकर उन बालिकाओं के लिए जो सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत थी, किसी विषय विशेषकर मैथमेटिक्स में
जो मैथ का जो डर और खौफ बच्चों में होता है जिससे वो असफल हो जाती थी, यहां से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। उन असफल बालिकाओं को, उन बच्चों को इन्होंने वापस रिस्टार्ट करके और एजुकेशन से जोड़ा, उनकी कमी को एक ताकत में बदला और एक आज समाज के लिए आदर्श आईने के रूप में उन बच्चों को ये आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें गर्व है कि आप हमारे द रियल हीरो कार्यक्रम के आज के हीरो हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और इसी प्रकार के नए हीरो के साथ अगले द रियल हीरो कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा कचाएंगे, और हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाँववाणी चैनल को जरूर देखें, और इसी प्रकार की रोचक कहानियों को देखने के लिए अगले सप्ताह हम फिर आपसे जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।